दोस्तों, YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है एकता। आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए लौकी का रायता, जिसके लिए मैंने पाव भर लौकी को कद्दूकस करके उबाल लिया है। एक हरी मिर्च चाहिए हमें बारीक कटी हुई, थोड़ा सा हरा धनिया चाहिए, मसालों में हमें थोड़ी 1/4 चम्मच लाल मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, जीरा पाउडर चाहिए हमें, भुना हुआ जीरा चाहिए और साबुत जीरा, और राई और हींग चाहिए हमें छौंक के लिए, 1 छोटा चम्मच ऑयल चाहिए और 1/2 किलो हमें दही चाहिए जो मैंने फेंट के रखी हुई है। लौकी हमने उबाल रखी है, लौकी हमारी ठंडी भी हो चुकी है। इसको थोड़ा सा इस तरह से निचोड़ के हमें रायते में डाल देना है। सारी लौकी हमें इसी तरह निचोड़ के दही में डाल देनी है। देखिए इस तरह से। अब हम इसको इसमें मिला लेंगे अच्छे से फेंटी हुई दही में। अब हम इसमें हरी मिर्च डाल देंगे कटी हुई और भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च पाउडर और नमक। अगर आप लाल मिर्च पाउडर नहीं पसंद करते तो आप ना डालिए, काली मिर्च भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से सभी को मिला देना है। अब हम इसको छौंक लगाएंगे। गैस पे एक पैन रखेंगे, उसमें हम 1 छोटा चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हम इसमें हींग, राई और जीरे का तड़का देंगे। आप अकेले हींग का भी दे सकते हैं, अकेले जीरे का भी दे सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसे दे सकते हैं, अकेले राई का भी दे सकते हैं। इस तरह से जीरे को हल्का लाल होने देंगे। गैस ऑफ लेने के बाद मीडियम कर लेंगे। देखिए जीरा जो हमारा है वो भून चुका है, राई भी हमारी भून चुकी है। हम इसको बंद कर देंगे। हम इसको मिला देंगे। हमारा रायता जो है वो तैयार हो चुका है। अब हम इसमें ये हरा धनिया डाल देंगे। इस तरह से और हरे धनिये को भी हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो रायता है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है खाने के लिए। आप एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर हाजिर होंगे नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।